नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियोस हमेशा आपकी मदद करती है। बिल्कुल साधारण सी जो प्रॉब्लम्स हो उनके सॉल्यूशन में भी, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो उनके सॉल्यूशन में भी, और ऐसे उपाय दोस्तों मैं बताती हूँ जिन्हों जो आप आसानी से कर सकें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी इस समय काफ़ी लोग मेरी वीडियोस में अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हैं और वो अपनी चीज़ों का सेल कर रहे हैं। जैसे हत्था जोड़ी है, शियार सिंगी है, ये सब चीज़ें वो लोग खुद सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन चीज़ों में या ये किसी भी मैटर में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मैंने अपना कोई नंबर डाला नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी विषय में, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसी में संपर्क करें। क्योंकि इस समय में किसी भी चीज़ का कोई ले वेच का काम कर नहीं रही हूँ। ये बिल्कुल फ्री में जो मैं वीडियो डाल रही हूँ आपकी बिल्कुल फ्री सेवा है। तो यदि आप ये जो नंबर दूसरे जो लोग नंबर डाल रहे हैं, अगर आप उससे जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो आप वो चीज़ें आप अपनी जिम्मेवारी पर लें। उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत ही करंट प्रॉब्लम है, लगभग घरों में है। लड़के लड़की बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, पर उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों, बातचीत चलती रहती है लेकिन लास्ट में मना हो जाती है। कितनी ही लड़कियों की, लड़कों की उम्र ज़्यादा हो गई है पर वो शादी नहीं कर पा रहे हैं समाज में। कितने घरों मैंने देखा दोस्तों, उनके पास काफ़ी मिल्कत है, सब कुछ है, बिल्कुल वेल सेट है, उसके बावजूद भी उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों, मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो उपाय करने से बहुत ही जल्दी ऐसे योग बनने लग जाते हैं जिससे शादी तुरंत बहुत जल्दी होना संभव हो जाती है। दोस्तों, आप ही के कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपको तकलीफ़ दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से शादी रुकी हुई रहती है या नहीं हो पाती है। कितने लोगों की तो दोस्तों उम्र बीत जाती है लेकिन शादियां नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी जानकार व्यक्ति को अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखा दें कि उसमें कौन सा ग्रह आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो स्पेशल आप उसकी पूजा शुरू करें। उसके सिवाय भी दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादातर यही ग्रह हैं जो तकलीफ़ देते हैं। जैसे यदि आपका गुरु कमज़ोर है तो भी आपकी शादी होने में बहुत विलंब होता है, होने के बाद भी सेट नहीं होते हैं। अगर आपका चंद्र कमज़ोर है तो आप भयंकर कलह में घिरे हुए होते हैं। यदि मंगल आपकी कुंडली में दोस्तों चौथे स्थान पर है, आठवें स्थान पर है, बारहवें स्थान पर है दोस्तों, तो भी शादी में काफ़ी विलंब होता है। अगर मंगल के साथ दोस्तों, आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हैं, मंगल के साथ यदि राहु है, शनि है, ऐसे क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, तो भी दोस्तों शादी में काफ़ी विलंब होता है। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल है, आप करके देखें आपकी शादी कितनी फटाफट रिश्ते भी आने लग जाएंगे और बहुत जल्दी आप बहुत ही अच्छे समाचार सुनेंगे। तो दोस्तों, यदि आप में से कोई लड़की है तो लड़कियों के लिए मैं खास उपाय बताऊं कि जैसे किसी और लड़की की शादी में मेहंदी की रस्म होती है, तो आप उस मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी, भले एक ही लेकर के और राउंड अपने हाथ में ऐसे एक टिपका करें, या तो वो लड़की जिसकी शादी हो रही है वो अगर उसकी मेहंदी में से, उसके हाथ में लगी हुई मेहंदी में से ज़रा सी मेहंदी अगर आपके हाथ में लगा देती है, तो समझिए बहुत जल्दी शुभ समाचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। हल्दी की रस्म में से दोस्तों, आप थोड़ी सी हल्दी, जो उपटन वो लड़की के शरीर में लगा हुआ है उसमें से थोड़ा सा भी उपटन यदि आप ले लेते हैं और अपने शरीर पर उससे, जैसे आप तेल लगाते हैं उस तरीके से उस उपटन को लगा लीजिए, बहुत ही आसान टोटका है लेकिन बहुत ही कारगर है। बहुत जल्दी दोस्तों आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के जड़ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। रविवार के दिन स्पेशली सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाएं।
गुरुवार के दिन कच्चे आटे के अंदर थोड़े सी चने की दाल रख करके आप गाय को खिलाने लग जाएं और शुक्रवार के दिन रोटी गाय को खिलाएं। गणपति जी की पूजा हर बुधवार को दोस्तों, गणपति जी की पूजा अवश्य ही करें। एक गुड़हल का फूल रख दें उनके सामने और हाथ जोड़ करके उनसे अपने मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करें, लड़की हो या लड़का हो। शादी आराम से हो जाएगी। बुधवार हो, गुरुवार, शुक्रवार के जो नियम बता रही हूँ ये लड़के भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों और बहुत ही कारगत है। लड़कियाँ दोस्तों, जो शादीशुदा औरतें हैं, खास करके जो नई शादीशुदा औरतें हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ कोई भी शादीशुदा औरत हो, महिला हो, आप उसके हाथ से दो हरी चूड़ी अपने एक एक हाथ में अवश्य ही पहने। शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा बेस्ट है। शुक्रवार, सोमवार, इन दिनों में दोस्तों आप खुद जाए चूड़ी वो महिला को दे दें और कहें कि वो आपको पहना दे, बस बहुत सरल है। उसके हाथ से दोस्तों आप अपने सिर में, अपने मस्तिष्क पर लाल कंकु का तिलक लगवाएं। ये सारे टोटके दोस्तों आपको सुनने में बहुत आसान लगते हैं कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन होता ही है। इस चीज़ को आप मान लें। सोमवार के दिन दोस्तों गोपाल लड्डू की, श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ करके आप उनसे विनती करें कि आपका ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए। उनके आगे आप थोड़ा सा मक्खन रखें, एक टाइम भोजन करें। ये अगर आप 5 सोमवार भी इस तरीके से कर लेते हैं दोस्तों तो सोने पे सुहागा है। इस दिन वाइट कलर के ही कपड़े पहने और सिर में सफ़ेद मोगरे का फूल लगाएं और दो हरी चूड़ी कोई भी सुहागिन स्त्री के हाथ से अवश्य ही धारण करें। जब आप शादी की बात करने के लिए भी जा रहे हो मित्रों, आप देखेंगे आपके सामने यदि 3-4 लड़कियां हंसती हुई आती हैं, निकल करके जा रही हैं, महिलाएं शादीशुदा सधवा अगर आपके सामने से हंसती हुई जा रही है सुहागिनें, तो समझिए रिश्ता पक्का हो गया। आप घर से निकल रहे हैं, बारिश की कोई भी आपको पहले से ऐसे दिखाई नहीं दे रहा देने देता हो कि बारिश होने वाली, और सडनली बारिश हो जाए, थोड़ा सा धूप भी है और बारिश हो जाए, समझिए रिश्ता पक्का ही हो गया। बहुत सारे ऐसे जो अनुसार मिल जाते हैं पहले से आपको ऐसे सुकन हो जाते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ शादी हो ही जाएगी। बहुत ही छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगत उपाय हैं दोस्तों। करवा चौथ के दिन भले ही, ये ज़रूरी नहीं, जैसे सुहागिन स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो जब पूजा करती हैं, तो जो कुंवारी हैं जिन्हें शादी करना है दोस्तों, आप करवा चौथ के दिन एक लोटा जल, स्वच्छ जल चंद्रमा को अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों मैंने खुद देखा है, जो विधवा हो चुकी हैं कम उम्र में और जिनको समाज बहुत ही उससे मना करता था कि नहीं अब आप ये पूजा नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा उनसे भगवान किसी का बटा हुआ नहीं होता, वो सबके लिए समान है। यदि आप चाहते हैं कि आपको करनी है दूसरी शादी, आपको घर बसाना है, बहुत कम उम्र की लड़कियां थी वो, करवा चौथ के दिन आप भी चंद्रमा को एक लोटा जल अक्षत के साथ अवश्य ही अर्पित करें और प्रार्थना करें। आज दोस्तों वो शादीशुदाएं अच्छे घरों में हैं और उनके बच्चे हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। कितने ही ऐसे रीति रिवाज नियम हमारे समाज में लोगों ने बना दिए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कुदरत उसमें खुश है जिसमें आप खुश हो। बस किसी का गलत ना करें, किसी का घर ना उजाड़ें, आप खुश रहें ये खुद कुदरत चाहती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि यदि आप कुंवारे भी हैं, आप ऐसा नहीं है कि जो सुहागिने हैं वही करवा चौथ के दिन जल चढ़ाए, आप भी चंद्रमा के सामने चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य ही अर्पित करें। ये दोस्तों आप एक साल करें शायद तो दूसरी करवा चौथ आ भी नहीं पाएगी और आपका घर बस जाएगा, आपका मन चाह पात्र आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटे उपाय हैं दोस्तों लेकिन बहुत ही कारगत है। और हाँ, गाय को चारा खिलाने लग जाए, गौशाला में जाए, वहाँ जाकर के गाय को चारा डालें।
पक्षियों को दोस्तों दाना डालने लग जाए। बहुत सारे ऐसे जो आप साधारण, आपको साधारण लग रहे हैं कि साधारण उपाय हैं, लेकिन यही उपाय आपके जो भी ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में आपको तकलीफ दे रही है सबको शांत कर देंगे, एकदम शांत हो जाएंगे आपके ग्रह नक्षत्र। जब आपके ग्रह नक्षत्र शांत हो गए, जो आपको माइनस में ले जा रहे थे वही आपको प्लस देने लग जाएंगे, तो काम तो होना ही होना है। हर शुक्रवार के दिन दोस्तों शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में अवश्य ही जाएं, और जिसे आप धान कहते हैं, धान को अपने हाथ से छील करके, लड़की हो या लड़का हो दोनों में से कोई भी उपाय कर सकता है, अपने हाथ से छिले हुए धान लेकर के शिवालय में जाएं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए 11, 21 या 51 धान के दाने, अखे के अखे चावल शिवलिंग पर चढ़ा दें। एक शुक्रवार, दो शुक्रवार, तीन शुक्रवार आप करते रहे। आप ये मत सोचे कि नहीं मेरा काम नहीं हुआ, काम होगा दोस्तों, गारंटी है, होना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस आपको करना है पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, तो करते रहें दोस्तों। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर मेरा कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको आंसर अवश्य ही दूंगी। और दोस्तों यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। तो खुश रहें दोस्तों, करते रहें।